मेरा ट मैं आपको बताऊँ उस टाइम पे था कि मैं बीस पच्चीस हजार की नौकरी लग जाए भैया देखो आप सिंपल, सिंपल, मैं, okay. मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे बहुत सिंपल जिससे आपको बहुत इजीली जॉब मिल सकती है ना ओकी मतलब आज पूरा आप मतलब रात जान लोगे मेरा आज से तीन साल बाद देखना कुछ ना कुछ आपको बदलाव दिखेगा वो सैलरी में भी हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में भी हो सकता है आपकी स्किल्स में भी हो सकता है hey everyone, it's I hope आप लोग अच्छे होंगे मजे में होंगे स्वस्थ होंगे बचपन से लेके अभी तक हम लोग कुछ ना कुछ ड्रीम प्लान करते हैं कि यार अपन इस कंपनी में जॉब करेंगे इस बड़ी एम में जॉब करेंगे हो सकता है कोई बचपन से अगर ऑडी के सपने देख रहा है तो यू वॉन्ट टू बिकम की यार वो ऑडी में जॉब करे हम लोग कोई फेवरेट ब्रांड पहनते हैं तो व्यूज की हम लोग फेवरेट ब्रांड में जाके जॉब करें आज हम मैं ऐसा पॉडकास्ट आप लोगों के लेके आया हूँ जो लिटरली मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग था और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी के साथ यार अजय सुनेजा जो काफ़ी फेमस है टेक्निकल सुनेजा के नाम से रिसेंटली उन्होंने एडिडास क्रैक किया नाउ वी विल नो कि कैसे एडिडास जैसी बड़ी कंपनी उन्होंने क्रैक किया उनकी जो की कॉम्पिटिशिस है जितना उन्होंने मैंने उनसे उन्हों बात करके समझा कि फ्रंट एंड डेवलपर को उन्होंने कैसे एक्सेल किया आज बहुत से लोग मेरे पास क्वेरी करते हैं यार कि भैया आप बता दो कि फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं उसका रोड मैप क्या हो सकता है एंड लिटरली उनसे सीखना जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में मास्टरी कर रखी है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो वेलकम अजय सुनेजा तो आपका चैनल पर स्वागत है ओवर टू यू थैंक यू सो मच प्रिंस फॉर यू नो हैविंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच आपने इन्वाइट किया एंड जितने भी प्रिंस की यूट्यूब फैमिली है हेलो एवरी वन माई नेम इज़ अजय हाँ जी करंटली मैं आई एम वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मैं एडिडास में काम करूँ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड इससे पहले आई वॉज़ वर्किंग मैं फुल स्टेक काम कर रहा था और सर्विस बेस्ड कंपनी में काम काफ़ी टाइम किया है तो टोटल एक्सपीरियंस मेरा पाँच साल का है एंड कोई मास्टर ही नहीं है आई एम स्टिल लर्निंग अभी भी सीखता रहता हूँ उन चीज़ें और आप मेरा ऐसा मानना है आप कभी किसी चीज़ें मास्टर नहीं होते आप अच्छा कर रहे होते हो चीज़ें सीख रहे होते हो बट अभी भी मेरी लर्निंग जैसे एक फ्रेशर टाइम पे माइंडसेट था आज भी वही है और ठीक है एक्सपीरियंस एड ऑन होता रहता है जैसे जैसे आप काम करते हो बट मेरा माइंड वैसा ही है जैसे फ्रेशर टाइम पे था अभी भी सीखना है अभी भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना है लाइफ में तो यही एक माइंड है और यस yes, uh, इसके साथ साथ एक चैनल है हमारा टेक्निकल yes. बनाता रहता हूँ और अपने शेयर करता रहता हूँ yes, अल्टीमेटली वो, वो काफी आगे पहुंच चुके होते ना अजय मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक की जर्नी अगर मैं एक शॉर्ट एंड क्रिप्स आपसे पूछू कि इतनी लंबी जर्नी पांच साल की या छोटी जर्नी पांच साल की वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसी रही बहुत अच्छा रहा यार वैन आई स्टार्टेड लाइक थ्री पॉइंट टू से मैंने अपना करियर शुरू किया था और मेरा माइंड सेट मैं आपको बताऊँ उस टाइम पर था कि मैं बीस पच्चीस हज़ार की नौकरी लग जाए लाइफ सेट है और ऐसे ही आगे मतलब मेरा स्टार्टिंग से एम वेरी मैं बहुत कंसिस्टेंट थोड़ा सा डिसिप्लिन टाइप बनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मुझे काम मिले वो मेरा काम है ऐसा समझ के काम करूँ तो फ्रेशर टाइम पर ज्वाइन किया सैलरी आने लगी पच्चीस हज़ार के आसपास मैं खुश था उस टाइम पे और चीज़ें चलनी शुरू हुई और लकीली जिस प्रोजेक्ट में मैं गया था कोफोर्ज में मेरी कोफोर्ज फर्स्ट कंपनी थी और मेरा प्लेसमेंट हुआ था ऑफ कैंपस और 3.2 का मेरा उस टाइम पैकेज था तो मेरे को जो डोमेन मिला वो एयरलाइन डोमेन था उसमें मैंने काफ़ी काम किया टीम बहुत अच्छी थी इनिशियल टाइम पे थोड़ा सा रहता है आप किसी भी नए प्रोजेक्ट में जाते हो तो लर्निंग्स वगैरह आपको थोड़ा सा खुद आपको एफर्ट मारना पड़ता है आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते थोड़ा बहुत हाँ अगर टीम अच्छी हो तो थोड़ा सपोर्टिव इन्मोमेंट रहता है तो आपकी लर्निंग होती रहती है तो मेरे साथ टीम बहुत अच्छी थी बहुत कुछ सीखने को मिला मैंने वहाँ चार साल काम किया साढ़े चार साल के आसपास सेम एक कंपनी में काम किया और वहाँ पे मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी से लेके जितने बेनिफिट्स मिल सकते थे वो सारे बेनिफिट्स मिले और मैंने बीच में स्विच भी किया था बट मैं, मैं रिटेन हो गया था जो मुझे बाहर ऑफर हो रहा था तो मुझे वही अमाउंट बाहर से मिल मतलब मेरी कम करंट कंपनी ने मैच कर दिया था उसके बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट आया जावा के ऊपर एक साल मैंने उस पर काम किया और मैं उसमें लीड भी था डेवलपर भी था क्लाइंट से बात भी कर रहा था सब कुछ मैं ही कर रहा था तो बहुत सीखा उस प्रोजेक्ट में उसके बाद मैंने फिर साढ़े चार साल बाद आ, अपना रिज़ाइन दोबारा किया उसके बाद फिर मैं नहीं रुका ओल दो ऑनसेट अपॉर्चुनिटी तब भी मिल रही थी यूके की एक साल की बट मैं नहीं गया और फिर मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स आए टी सी एस माइनट्री बिरला सॉफ्ट बहुत सारी कंपनी से ऑफ़र्स आए और अब वो ऑफर्स कैसे आए अगर आप पूछेंगे आगे सवाल तो मैं जरूर बताऊंगा उसके बारे में कैसे वो जर्नी रही बट येस ओवरऑल लर्निंग काफ़ी रही बहुत कुछ सीखा और इंटरव्यूज़ मैं लाइक uh, like, कभी कभार मैंने ऐसा भी है कि अभी मैं नौकरी ढूंढ नहीं रहा हूँ बट इंटरव्यूज़ देता रहता हूँ जस्ट अपने आप को चेक करने के लिए और एक येस यूट्यूब हमेशा एक एडवांटेज रहा है कि यूट्यूब पे पढ़ाना और वो जो पढ़ाने वाली चीज़ है वो इंटरव्यू में बहुत हेल्प कर रही होती है मुझे जब मैं इंटरव्यू दे रहा right. होता हूँ तो वो सारे एक्सपीरियंसिस मैं डालता रहता हूँ यूट्यूब पर भी एंड या सो उसके बाद फिर uh, मैंने आई से ज्वाइन किया आई में मैं तीन महीने रहा वहाँ पर बेंच पर था मैं एक प्रोजेक्ट मिला था मुझे पर वो एक महीने में प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर वापस बेंच पे फिर एक और प्रोजेक्ट मिला वो बैंगलोर मुझे जाना था अब मैं बैंगलोर नहीं जाना चाहता था तो एट द सेम टाइम एडिडास से अपॉर्चुनिटी आई और मैं एज अ फुल स्टैक काम कर रहा था कोफोर्ज में भी और आईटीसी में भी मेरा जो रोल था बट मुझे एडिडास से जो अपॉर्चुनिटी आई वो फ्रंट एंड डेवलपर की आई मैंने कहा चलो अच्छा है फ्रंट एंड की और ही चलते हैं एक चीज़ पर फोकस करेंगे अच्छे से उस उसमें काम करेंगे तो या आई एम करेंटली अभी करेंटलीस में काम कर रहे हैं अमेजिंग काफ़ी बड़ी जर्नी थी एंड लिटरली आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया किसी एक कंपनी में चार साढ़े चार साल में काम करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ऑल दो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में उतने लंबे समय तक टिक रहे हैं डेफिनेटली आपको उस कंपनी का कच्चा चिट्टा सब पता चल जाता है मतलब आप <laughs> उस कंपनी में एज ए डेवलपर हो एंड आपको इतना ज़्यादा लर्निंग मिलता है एज अजय ने कहा कि वो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करते थे तो बट ऑबियस जो लेवल ऑफ लर्निंग वो काफ़ी हाई होती है हमें एक पॉइंट पर लग रहा होता है कि यार हम क्या कर रहे हैं मतलब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं बट एट दिन जब उसका रिजल्ट मिलता है ना तो अपन काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख जाते हैं यार अमेजिंग अजय मतलब मास्टर था ये रिलेशनशिप या नहीं आज भी मेरे को मेरी जो फर्स्ट कंपनी है कोफोर जहाँ मैंने साढ़े चार साल बिताए हैं हाँ हा। एक रिलेशनशिप उन लोगों के साथ ऐसा बन चुका है कि अगर मुझे आज भी वापस जाना हो तो मैं कभी भी जा सकता हूँ तो है मतलब एक ठीक है काम हम करते हैं कंपनी के अंदर बट जब आप इतना टाइम स्पेंड कर ले तो एक रिलेशनशिप बन जाती है आपके लोगों के साथ मैनेजर के साथ और आपका काम ठीक है काम तो ठीक है सब लोग कर रहे हैं और बस ये है कि मैं आपको बताऊं मैं और लोगों से कैसे अलग था अपनी टीम में बस ये है कि जब मुझे कोई काम मिलता था मैं बहुत फोकसड रहता था कंसिस्टेंसी वहाँ रहती थी और डिलीवर करना है ऑन टाइम करना है तो मेरी जो पहचान थी उससे ज़्यादा थी कि अजय के पास गया है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा हमें कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट्स मिलेंगे अमेजिंग अजय लिटरली मतलब कि अब की जर्नी सर्विस से प्रोडक्ट भी इसके काफ़ी अमेजिंग रही मुझे एक चीज़ जो जानना है मतलब कि जो मेरे मन में हमेशा रहता है यार और जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं मुझे उनके मन में हमेशा रहता है कि भैया मैं टायर थ्री से हूँ मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ नॉर्मल परिवार से हूँ नॉर्मल पढ़ा हूँ नॉर्मल कॉलेज में भी हूँ तो क्या किसी भी बड़ी एनसी को क्रैक करना मेरे लिए लाइक कि आइडिडाज के एग्ज़ाम्पल ले लूँ मैं कितना फिजिबल है पॉसिबल है भी कि नहीं है कि मुझे भी पाँच साल करना पड़ेगा कि चीज़ें और मेरे लिए नैरो डाउन हो सकती है आप उस पर क्या कर आ, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ये लाइफ में ना हर चीज़ पॉसिबल है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टायर थ्री से हूँ या फिर मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ये सब चीज़ें मतलब सम टाइम हम जिस एज में होते हैं उस टाइम जो हमारी मेंटल स्टेट होती है जैसे थॉट्स आ रहे होते हैं हम वैसा बोलने लग जाते हैं बट ऐसा नहीं है हर चीज़ पॉसिबल है सारी बात एफ़र्ट्स की है अगर आप फ्रंट एंड में अच्छे हो तो आप फ्रंट एंड में अपने स्किल्स को पॉलिश करो अगर आप बैक एंड में अच्छे हो तो अपने स्किल्स को बैक एंड में पॉलिश करो अगर आप ऐसा फुल स्टैक जाना चाहते हो तो फुल स्टैक में आपके स्किल्स अप उस में आपको अपने आप को पॉलिश करना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है एडिडास हो गया या मेरे पास पे का भी ऑफर था एडिडास से पहले का अच्छा ऑफर था तो मैंने पे ज्वाइन नहीं किया Okay. और मैंने एडिडास ज्वाइन किया ठीक है एडिडास मुझे बेटर yeah. वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही थी एंड yeah. uh, मेरा रोल पेटीएम में टीम लीड का था मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी टीम लीड नहीं जाना है मुझे डेवलपर yeah. ही जाना है मुझे ऐसा डेवलपर अभी और सीखना है तो ये मेरा अपना माइंडसेट है शायद कोई और मेरी जगह होता वो टीम लीड चला जाता बट मुझे yeah. अभी नहीं जाना है मैंने आपको कहा ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत डिपेंड कर रहा होता है मेरा माइंड अभी भी एक यंग माइंड की तरह है मैं एज़ अ फ्रेशर की तरह ही मेरा लर्निंग माइंडसेट है तो मैं अभी उस जोन में नहीं जाना चाहता उस कंफर्ट में नहीं जाना चाहता एज़ अ लीड उल लीड में मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी बट नहीं मुझे अभी फ्रंट एंड या फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो एज़ अ फुल स्टेक मुझे भी काम करना है तो मेरे लिए मेन ये था दैट्स वाई मैंने एडिडास ज्वाइन किया एडिडास के जो पर्कस हैं जो बेनिफिट्स हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अमेजिंग है एंड जैसा मैं बाहर से देख रहा था उतना ही मैं अंदर से देख पा रहा हूँ सेम चीज़ें हैं तो इसमें मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ जब मैं गया तो बहुत कुछ मुझे लोग अच्छे मिले अच्छे लोग मिल रहे हैं काम करने का मौका मिल रहा है एंड चीज़ें सीखने को मिल रही है तो ऐसा नहीं है आप चाहे टायर्ड थ्री से हो आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लाइफ में हर चीज़ एक टाइम पर आके आपको मिल जाती है बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कईयों को जल्दी मिल जाती है कईयों को बाद में मिलती है बट मिलती सबको एक टाइम सबको मिलता है मैंने थ्री से स्टार्ट किया बट जब मैं देखता था पंद्रह लाख दस लाख बीस लाख पच्चीस लाख ऐसे जब मैं पैकेजेस फिगर सुनता था मुझे लगता था यार ये तो सपना ही है पता नहीं जब मेरा दस साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब मेरे को शायद या पंद्रह साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब तो मुझे इतना पैकेज मिल रहा होगा बट ऐसा नहीं है सारी बात माइंड के लेवल पे, जैसे जैसे आप मेच्योर होते हो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है आपको लग रहा होता है कि ये मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये अपने आप से आएगा ये ठीक है आप किसी की वीडियो देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे बट सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो आपको उस टाइम पर हो रहा होगा कि येस येस दिस इज अ राइट टाइम अब मुझे स्विच करना चाहिए नो दिस इज नॉट अ राइट टाइम अभी सब कुछ ठीक चल रहा है आप खुद देखो मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँ। मैंने एक साल बाद भी स्विच नहीं किया मैंने दो साल बाद भी स्विच नहीं किया मैंने तीन साल बाद स्विच भी नहीं किया मैंने चार बार चार साल बाद भी स्विच नहीं किया रही जब रही मैंने किया तो बहुत तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया तो एक अच्छी प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है आपके जो भी डेली टास्क होते हैं जैसे मेरे सामने मेरा बोर्ड है वाइट बोर्ड है ये पूरा बोर्ड एकदम भरा हुआ है इसमें यूट्यूब का ब्लॉग भी है इसमें मेरे एडिडास का ब्लॉग भी है मेरे क्या एक्शंस होने वाले हैं आने वाले दो तीन हफ्तों में सारे नोट डाउन होते हैं जिसकी वजह से एक डिसिप्लिन बना रहता है और मैं चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाता हूँ तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अमेजिंग है जन मुझे इनसे बात करके एक चीज़ तो पक्का समझ में आ रहा है इनके अंदर जो लर्निंग का जो चाहत है ना कि मुझे ये चीज़ अभी भी सीखना है मैं अभी भी इस चीज़ में मास्टरी नहीं किया हूं। मुझे और सीखना है ये होना बहुत ज़रूरी है एक पॉइंट पे हमें लगने लगता है कि कितना काम करना है इनके अंदर आ रहा है कि यार और, और काम करना है तो लिटरली ये माइंड टू माइंड काफ़ी डिफ़र करता है और लिटरली ये काफ़ी सही कह रहे हैं कि एडिडाज में इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है मैं इंस्टा फॉलो करता हूँ इनकी रोजी स्टोरीज़ देखता है बस लाइक कि वाओ आप भी फॉलो करो आपको भी इनकी लाइफ अच्छी दिखेगी कि एडिडास में लाइफ तो काफ़ी अच्छी चल रही है एंड एक बात तो तय है यार अजय की लाइफ मैंने भी देखी है वो कितना स्ट्रगल कर रहे थे अपने स्टार्टिंग करियर के दौर पर उन्होंने बट उस स्ट्रगल कोई स्ट्रगल नहीं लिया उनको चैलेंजेस लिया कि यार ये है तो है इसको फेस करना है इससे सीखना है इससे आगे बढ़ना है ये नहीं कि इससे भाग जाना है या डर जाना है कि यार छोड़ देते हैं रहने देते हैं कुछ और ट्राई करते हैं नहीं उन्होंने स्टिक किया उस चीज़ पर चला सीखा और आगे बढ़ा और काफ़ी अच्छा आगे बढ़ा यार मतलब लिटरली इंस्पिरेशनल था यार जिन लोगों को आप रिलेट कर पा रहे हो जिन लोगों को लग रहा है कि यार सच में मुझे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वो यहाँ तक कमेंट करके बताओ कि आपने क्या सीखा अभी तक आपको कितना अच्छा लग रहा है ओके नेक्स्ट सवाल आ जाए आपसे मतलब अभी तक को तो काफ़ी मुझे हाँ मज़ा आ रहा है आप होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा यार मुझे पूछना है कि जनरली लोग रेज्यूम बना लेते हैं अप्लाई करते हैं बट दे आर कन्फ्यूज़ कि भैया हो नहीं रहा अरे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट हुआ इस देखो जैसे जैसे मैंने अपना करियर शुरू किया तो पहले तो रिज्यूमे आपका खाली रहता है उसमें कॉलेज के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं फिर जैसे जैसे आपका एक साल दो साल निकल रहे होते हैं तो आप कॉलेज के प्रोजेक्ट हटा रहे होते हो और जो आपने एक्चुअल में कंपनी में सीखा है वो सब चीजें अपने रिज्यूमे में डाल रहे होते हो जो 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 स्किल्स आपने सीखे हैं वो स्किल आप मेंशन कर रहे होते हो तो ऐसा ही मेरे साथ भी था पहले जावा में काम कर रहा था फिर फ्रंट एंड में एच और सी एस एस जे क्वेरी इन पर साथ साथ काम चल ही रहा था और फिर एक फ्रेमवर्क है हमारा गेट्स भी फ्रेमवर्क उस पर मुझे अच्छा काम करने का मौका मिला सी आई सी डी पाइपलाइन क्रिएशन वाई एम एल फाइल बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर वो सारे एज अ स्किल मैंने सीखा और वो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने मैंशन करे और फिर जैसे जैसे लर्निंग होती गई अब खाली ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो खाली उतने पे ही डिपेंडेंट रहना है आपको साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सीखना होता है जब स्विच का टाइम आए तो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हों क्योंकि जब आप एक कंपनी में काम करते हो आप किसी डोमेन पे काम कर रहे हो वहाँ पे टेक्नोलॉजी लिमिटेशन भी हो सकता है राइट कि इस टेक्नोलॉजी पे ही काम हो रहा है तो थोड़ा सा अगर आपको आगे स्विच करना है तो अगर अब भार की डिमांड कुछ और है तो आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते खाली मुझे इतना ही आता है आपने लिमिट कर दिया तो मेरे केस में मैं एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता था जब जावा की बात होती है तो फिर रिएक्ट हो रिडेक्स हो कॉन्टेक्ट ए हो इवन एंगुलर हो तो मेरे क्रड एप्लीकेशन छोटी छोटी एप्लीकेशन में बनाता रहता हूँ अपनी लर्निंग के लिए अभी जैसे आजकल मार्केट में चल रहे हैं फ्रंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग है हर कंपनी अडेप्ट कर रही है सो उस पर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग इवन जब मैंने डस ज्वाइन नहीं किया तो मेरे को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी बेसिक पता था माइक्रो एंड क्या है बट जब गया तो समझा कि हाँ अच्छा इस तरीके से कॉल होता है क्या एक अब क्यों यूज़ कर रहे हैं माइक्रो एंड तो वो एक पर्पज़ समझ आया तो इस तरीके से आ, लर्निंग वगैरह मतलब जो भी होती रहती है मैं अपने सीवी में डालता रहता हूँ और दे गया उसके बाद फिर जैसे नौकरी पोर्टल हो गया लिंगडिन पोर्टल हो गया वहाँ पे अपने प्रोफाइल को मेरी एक्टिव रहती है क्योंकि आपकी लिंगड प्रोफाइल बहुत प्रॉमिसिंग होनी चाहिए पता लगना चाहिए कि आप एक फ़्रंट एंड डेवलपर हैं डेटा इंजीनियर हैं या आप हैं क्या जिससे कोई भी अगर आप हायरिंग मैनेजर आपकी प्रोफाइल देखे तो तुरंत शॉर्ट हो जाए तो लिंकडिन प्रोफाइल मेरी ठीक है प्रामिसिंग है उसके बाद फिर प्रोडक्ट बेस के लिए ज़्यादातर क्या होता है कि रेफरर ज़्यादा चलते हैं आपको शायद नौकरी पे या किसी भी जॉब पोर्टल में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है बट कुछ कुछ प्रोडक्ट बेस की मिल रही होगी वरना सर्विस बेस की तो आपको मिलेगी ही मिलेगी बहुत टी सी एस माइन्ट्री बिरला सॉफ्ट जितनी भी कंपनीज हैं विप्रो कोफोर्ज इन सब की अपॉर्चुनिटी आपको डायरेक्ट नौकरी डॉट कॉम से मिल जाएगी बट जो प्रोडक्ट बेस होती है वहाँ पर चलते हैं रेफरर क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा कल्चर आप कह लो अब आप, आपको कभी माइक्रोसॉफ्ट का नौकरी डॉट कॉम पर नहीं दिखेगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए राइट तो उसके केस में जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है वहाँ पे आप लिंकड के थ्रू हायरिंग मैनेजर से कनेक्ट करके एचआर से कनेक्ट करके आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो एंड गाइज बिलीव मी मेरे लिए वर्कआउट किया था पेटीएम के लिए वर्कआउट किया एडिडास के लिए वर्कआउट किया राइट okay. right? okay. तो एक yeah. अच्छा सा मैसेज होना चाहिए हाई माई नेम इज़ दिस आई एम हैविंग इतना एक्सपीरियंस आई हैव डन दिस दिस प्रोजेक्ट दिस इज़ माई टेक्नोलॉजी टैक प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई वैकेंसी हो तो इस तरीके से अगर आप एक मैसेज बना दोगे अपना रिज्यूमे अटैच कर दोगे एच आर विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू बट मेक श्योर आपकी प्रोफाइल लिंकिन की बहुत प्रॉमिसिंग होनी चाहिए लगन लगना चाहिए कि हाँ कुछ बात है आप में तो वो जो बात वाली चीज़ है वो आपको अपने आप पर काम करना पड़ता right. है स्किल्स पे काम करके बहुत ही प्यारा आंसर था और लिटरली मतलब कि रेफरल वाला चीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करती है और बहुत सारे लोगों के लिए बिकॉज जब कोई बंदा रेफरल दे रहा है आपको अपनी कंपनी में तो वो इंटीग्रिटी से होता है ना कि ये बंदा ऑलरेडी हमारे कंपनी में है और मैं और वो किसी और को बोल रहा है कि यार मैं इसे जानता हूँ आप इसे भी ले लो तो डेफ़िनेटली आपकी वैल्यूशन और आपकी जो रेपुटेशन बढ़ती है वहाँ बढ़ जाती है एक लेवल पर कि कोई अपने कंपनी का बंदा कोई उसे एश्योरेंस दे रहा है कि हाँ आप इसे ले सकते हो तो बट ऑब्वियस है यार कि वो किसी बाहर के बंदे को थोड़ा कम प्रीफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू जिनको रेफरेंस मिला हुआ है तो थैंक्स अजय फॉर दिस रेफरल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लोग मैं आपसे कहूँगा यार जब भी आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है तो एक बार लिंगडिन में किसी भी बंदे को उस कंपनी का रीच आउट करके एक बार प्यार से बोल लो कि भैया रेफरल दे दो जो जिस जैसा जिस मैनर में अजय ने बताया है कि ये ये प्रोजेक्ट्स मैंने कर रखा नाम एक सलीके में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा नाउ और आपके इस व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है लोगों को लगता है अरे कहाँ हमें हम मैसेज करते हैं है, हमें जवाब नहीं आता आपको हाय हेलो नहीं करना है प्रॉब्लम क्या होती है आप पहले हाय हेलो करने लग जाते हो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके हाय हेलो का जवाब दे मेन जो क्रंच है वो मैंशन करो मैसेज ड्रॉप करो उसके बाद रिप्लाई नहीं आ रहा दैट्स फाइन यू कैन कितने सारे लोग हैं पर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी दस लोग हैं तो आपको एक दो से रिप्लाई अगर आ रहा है दैट्स फाइन ना वहाँ से अपॉर्चुनिटी लेते हैं ना है ना इस, ऐसे देखोगे तो आप कभी नहीं हो ना। अब एक चीज का जवाब जो कि मैक्सिमम यूजर मैक्सिमम व्यूवर्स मेरे से पूछते हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया आप मुझे एक सिंपल सिंपल प्लेन सा रोड मैप प्यारा सा सुंदर सा बता दो मैं बिगिनर हूँ मुझे नहीं पता फ्रंट एंड कैसे काम करता है मुझे बस सिखा दो आप कि भैया कि आप बता दो कि ऐसे ऐसे चलना मैं वही चलूंगा लेकिन मुझे समझ में आ जाना चाहिए आप ऐसा कुछ बता दो ओके <laughs> okay, देखो मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूं इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे बहुत सिंपल जिससे आपको बहुत इजीली जॉब मिल सकती है है ना हा। देखो एक फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है हमें पहले ये समझना पड़ेगा जैसे आप किसी वेबसाइट से इंटरेक्ट करते हो तो आपको एक इंटरफेस दिखता है एक फॉर्म दिखता है जैसे फेसबुक है आपको फेसबुक का लोगो दिख रहा है लॉग इन इन पासवर्ड फील्ड दिख रही है जहाँ पे आप क्रेडेंशियल डालते हो लॉग इन करते हो राइट right? और कोई बैनर दिख रहा होगा फुटर होगा है ना तो ये एक इंटरफेस है जिससे एक यूज़र इंटरेक्ट करता है तो इसको बनाने के लिए अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो एक अलग फील्ड आती है जैसे यूएक्स यूएस यूएक्स यू आई यू एक्स डिज़ाइनर राइट जो आप फिगमा फ्रेमर ऐसे टूल्स का यूज़ करके आप किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो तो अभी डेवलपमेंट नहीं करना है खाली डिज़ाइन करना है तो ये अपने आप में एक अलग फील्ड है तो आप में से अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं डिज़ाइन जिनका दिमाग बहुत चलता है डिज़ाइनिंग के अंदर तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो बट अगर आप चाहते हो डिज़ाइन हो गया अब उसे कन्वर्ट करना है एक वेबसाइट में राइट स्टैटिक पेजेस में तो उसके लिए हमारे पास एच होता है अब उसको उसमें थोड़ा ब्यूटीफुल आपको कुछ डिज़ाइन करना है कलर्स डालने हैं राइट मार्जिन डालना है पैडिंग डालनी है ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं सी के अंदर तो उस सी की प्रॉपर्टीज का यूज़ करके आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाते हो वैसे बाई डिफ़ॉल्ट एस्टिमल यूज़ करोगे वो एक स्टेटिक पेज है जिस जिसमें कुछ डिज़ाइन नहीं होगा बट डिज़ाइन की जब बात आती है तो आप सी एस यूज़ करते हो एंड अब ये तो आप खाली पेज तैयार कर लोगे बट अब यहाँ पे क्या फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फॉर्म है आप उस फॉर्म में डेटा डाल रहे हो आप चाहते हो डेटा कहीं स्टोर हो तो वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी आ जाती है जैसे कि फ्रंट एंड पे अगर हम बात करें अगर वेबसाइट को डिज़ाइन करने की क्योंकि आप में से सुना होगा कुछ लोगों ने सिंगल पेज एप्लीकेशन कि पेज रिफ्रेश नहीं होगा आप कुछ भी क्लिक करोगे तो पेज रिफ्रेश ना होकर yeah. खाली एक कंपोनेंट आपका चेंज हो रहा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जैसे आजकल माइक्रो माइक्रोफ्रंटेंट चल रहा है माइक्रो माइक्रोफ्रंटेंट क्या होता है डू यू हैव डू यू हैव एनी एग्जांपल कि कैसे माइक्रो माइक्रोफ्रंटेंटन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको देखो अब ये चीज़ें बहुत सारी हैं hmm. कि भैया ये तो बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम लग जाएगा तो ऐसा नहीं करना है मैंने एकदम से सब कुछ थोड़ी सीखा है धीरे 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 एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट अच्छा अब जावास्क्रिप्ट आता है मैं फोम वैलिडेशन कर सकता हूँ मुझे अंडरस्टैंडिंग है मैं प्रोसेस कर सकता हूँ ठीक है प्रोसेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए मोंगो टीवी चाहिए तो हमेशा एक किसी भी प्रोजेक्ट को बना रहे हो एंड टू एंड देखो कि अब डेटा के लिए मैं क्या यूज़ करूँ मोंगो भी यूज़ कर लेते हैं चलो मोंगो टी पढ़ लेते हैं साथ में जब आप इस तरीके से देखोगे टुकड़ों तो को मतलब ब्रेक करके एक एप्लीकेशन को ब्रेक करके जब आप सीखोगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होगे तो अगर टूल्स वाइज बात करें लैंग्वेज स्पेसिफिक बात करें तो एच हो गया सी हो गया जावा हो गया और जावा का कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी वो एंगुलर भी हो सकता है वो रिएक्ट भी हो सकता है वो व्यू जी भी हो सकता है अगर आप ये कर लेते हो एक प्रोजेक्ट बिल्ड करो अपने गिटहब पे डालो या उसे कहीं लाइव करो और अपने रिज्यूम में रखो इट विल वर्कआउट ऐसा नहीं है कि आपको फेसबुक बना देना है एक नॉर्मल क्रेड एप्लीकेशन भी बना रहे हो अच्छे से डेटा प्रोसेस हो रहा है लॉग इन कर पा रहे हो गूगल से लॉग इन कर रहे हो फेसबुक से लॉग इन कर रहे हो अगर आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी सर्विस अगर आपने इंटीग्रेट कर रखी है दैट मतलब इट विल वर्कआउट अमेजिंग वही जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि भाई एक स्टेप अगर टाइम चलो धीरे धीरे करना आज कुछ सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया फिर कुछ सीखा फिर उसको इम्प्लीमेंट किया आपका प्रोजेक्ट कब बिल्ड हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन इस जर्नी में आप सीख बहुत कुछ जाओगे जैसे अजय बता रहे हैं लिटरली बहुत सही अजय मुझे आपसे पूछना है कोई भी बस एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कोई भी कम्प्लीट नहीं होता है कि मतलब जिसको सब कुछ पता होगा आप धीरे धीरे डॉट्स को कनेक्ट कर रहे होते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपग्रेड कर रहे होते हो फ्रंट एंड में मैं कभी नहीं कहता मैं मास्टर हूँ या मुझे बहुत एक्सपर्टीज़ हैं आई एम स्टिल लर्निंग अभी भी सीख रहा हूँ आगे भी सीखता रहूँगा और आई थिंक मेरी लास्ट जो सांस होगी तब तक भी सीखता रहूँगा <laughs> <Okay. laughs> <laughs> बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया जाए आपने अब मुझे भी लग रहा है कि मैं भी फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब अप्लाई करूं बट उससे पहले मुझे मुझे सीखना पड़ेगा आप मुझे बताओ कि मैं कहां से पढ़ना स्टार्ट करूं बिकॉज देखो बहुत लोग या हर मैक्सिमम लोग यार पेड कोर्सेस अफोर्ड नहीं कर पाते और मार्केट में जो स्कैम चल रहा है वो तो भर भर के चल रहा है आई डोंट वॉन्ट टू बी इन डैट पेस आप मुझे बताओ कि मैं एज ए बिगिनियर या कोई भी इंसान कैसे स्टार्ट कर सकता है पढ़ना ठीक है मुझे फ्लो समझ में आ गया कैसे चलना है बट चलने के लिए कोई तो चलवाए एक बार कोई तो रास्ता दिखाए आप वो बता दूँ देखो सबसे पहले तो वैसे आ, मैं भी पहले अवॉइड करता था डॉक्यूमेंटेशन कि कौन इतना टाइम वेस्ट करे डॉक्यूमेंटेशन में है ना फटाफट से काम हो जाए फिर जैसे जैसे आप काम करते हो एक साल दो साल तो थोड़ा पेशेंस लेवल भी आपके अंदर आ रहा होता है और आप समझ रहे होते हो कि चीज़ों को जल्दबाजी में ना करके आराम से अपना टाइम ले चीज़ों को डिलीवर करो तो डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे हमेशा बेस्ट ही है इवन आप जो टुटोियल्स देखते हो जैसे हम भी पढ़ा रहे होते हैं पहले हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और अपने फ्लेवर में आपको डिलीवर कर रहे होते हैं यूट्यूब पे। बट येस फिर भी अगर रिसोर्स की बात है आप नहीं हो अभी इतने फ्रेंडली डॉक्यूमेंटेशन के साथ इतना आपको मज़ा नहीं आता है अगर आपको वीडियोस देखना ही पसंद है तो अगर आप प्रोडक्ट बेस के लिए जा रहे हो स्पेशली तो वहाँ पे देखो फ्रंट एंड में मैं इतना नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डेफ्थ में जा रहे होते हैं डी के जो क्वेश्चनस होते हैं जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं बट येस जावा के अंदर मैंने ऑलरेडी डी के ऊपर ट्वेंटी टू कवर कर रखी हैं जहाँ पे सेट मैप से लेके स्ट्रिंग एरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे मेरे से पेटीएम में जो पूछे गए हाँ। मैंने उन पर वीडियोज़ कर रखा है तो डी वाले क्वेश्चन बाईस क्वेश्चन हैं जो मैंने कर रखे हैं अभी और भी काम करेंगे उन पर और वीडियोज़ लेके आएंगे हाँ। ये तो डी वाला पार्ट हो गया हाँ। अगर अब जैसे मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे मार्च टाइम में तो पंद्रह क्वेश्चन ऐसे हैं जो जावा प्रोफाइल में पूछे ही जाते हैं अगर आप जावा का इंटरव्यू देने जाओगे आप चाहे एंगलर में जा रहे हो रैक् में जा रहे हो व्यू में जा रहे हो वो नहीं जाएगा अभी रिएक्ट पे एंगुलर पे वो पहले आपका जावा स्क्रिप्ट का फंडामेंटल बेसिक चेक करेगा तो उसमें मेरे जो जो मेरे से सवाल पूछे गए चाहे वो आउटपुट वाले क्वेश्चन थे मैंने फिफ्टी टू सेवनटीन वीडियोज़ कवर कर रखे हैं उसके भी सब पे मैंने ऑलरेडी जो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं अब कितना पढ़े समझ नहीं आ रहा बट एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कल इंटरव्यू है आज अगर मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ लूँ कुछ मैं अगर आंसर करूँ क्या पता सेलेक्ट हो जाऊँ तो सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रिंस कवर कर रखे हैं एंड येस अगर कोई रिएक्ट सीखना चाहता है तो 45 वीडियोस मैंने रिएक्ट की बना रखी हैं जो बेसिक से एडवांस है अगर अगर आप वो कर लेते हो तो आप कोई भी प्रोजेक्ट में एक कोड कोड बेस को समझ सकते हो वो इस लेवल की वीडियोस मैंने कवर ऑलरेडी कर रखी है एक जो सवाल जो मेरा हमेशा रहता है जो देखो आप बहुत ही प्यारे से बंदे हो आपने काफ़ी ज़्यादा लाइफ में अचीव किया आपके चैनल में भी दो लाख से ऊपर सब्सक्राइबर बेस है एंड लॉट्स ऑफ कम्युनिटी आपसे जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग आपसे सीख रहे हैं एक ऐसी क्या चीज़ जो आपके अंदर लगती है जो आपको खुद में ऐसा फील होता है कि ये चीज़ है मेरे अंदर डैट्स डैट आई एम एट दिस टॉप ऑफ सक्सेस वो मुझे जानना है ओके okay. मतलब आज पूरा आप मतलब रात जान लोगे मेरा <laughs> 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 okay. आ, देखो मैं आपको बताऊँ मेरे अंदर ना एक जो क्वालिटी है मैं आ, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ इस चीज़ को ताकि लोग सीख पाएँ और yeah. बहुत मुश्किल से मैंने भी डेवलप करी है अपने अंदर आ, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आ, आप हम्बल रहो चाहे आप आज तीन हाँ। लाख कमा रहे हो चार लाख कमा रहे हो छः लाख कमा रहे हो पैसा आनी जानी चीज़ है बट आपको एक अच्छा इंसान रहना है और मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे कोई भी प्रोफाइल हो डेवलपमेंट प्रोफाइल हो या टेस्टिंग प्रोफाइल हो कोई भी हर चीज़ का रिजोल्यूशन होता है अगर आप किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टक हो तो अगर आप लगे हुए हो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है कुछ घंटे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं आउट ऑफ ऑफिस आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा होता है जब आप खुद कुछ सॉल्व कर रहे होते हो बट एवरी थिंग इज़ पॉसिबल तो पेशेंस लेवल मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है मैं जल्दबाजी अब नहीं करता हूँ अपना टाइम लेता हूँ मुझे कुछ भी अगर ई मेल आ गई है किसी की जो ख़राब भी है या मेरे लिए सही नहीं है तो मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहूँ क्योंकि आप जब कंपनी में काम करते हो तो पॉलिटिक्स हो रही होती right. है हर प्रकार के लोग right. वहाँ पे होते हैं तो hmm. मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड करूँ वहाँ जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व ना रहूँ और चुपचाप साइड हो के यहाँ से निकल जाऊँ तो मेरा कुछ ऐसा माइंडसेट रहता है मैं बिलीव रखता हूँ कि लाइक जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उस पर मैं जेनरिक बता रहा हूँ नॉट अपने बारे में बट येस मेरा भी ऐसा ही सोचना होता है कि कुछ भी मिल रही है आप अपना टाइम लो और थोड़ा पेशेंस रखो देखो कितना आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो 20 परसेंट तीस परसेंट चालीस परसेंट तो यस प्रिंस पेशेंस लेवल हो गया थोड़ा सा हम्बल आराम से जल्दबाजी नहीं exactly. तो hmm. डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कोई अगर दोस्त अच्छा कर रहा है तो उससे इंस्पायर होना है जलना नहीं hmm. है वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा पॉइंट है ये ध्यान रखना का इसको कि आपको किसी से जलना नहीं है इंस्परेशन hmm. लो लोगों के काम से इंस्पायर हो और कोशिश करो अपनी लाइफ में कुछ अपने तरीके से अपने फ्लेवर में एग्जीक्यूट करके ना कि किसी को कॉपी करके तो जब आप ऐसा माइंडसेट बिल्ड करोगे आप ऑटोमेटिकली एक बेहतर वर्जन बन रहे होगे ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा थोड़ा बहुत जो एक दो परसेंट मैंने अपनी लाइफ में हल्का सा जो अचीव किया है उसके बेस पे कुछ आपको बता पा रहा हूँ तो देट्स वाइज सही बात है अच्छा मतलब आज के टाइम पे मतलब तो इतना हम्बल रहना इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अपने में बहुत बड़ी एक आर्ट मानता हूँ मैं तो इस चीज़ को एंड ऑफ कोर्स यार मतलब कि आपको भी मैं कहूँगा कि किसी को देखना गलत नहीं है सही बात है लेकिन किसी को देख के सीखो ना कि जलो बिकॉज आप उससे सीख भी तो सकते हो रदर देन आप उसे जलस फील करो एक फाइनल right. सवाल जो मैं हर पॉडकास्ट में हर लोगों से पूछता हूँ आखिरकार इतनी सारी धनराशि का और एडिडास के का आप क्या <laughs> <यह> मुझे <जानता। laughs> क्योंकि बहुत अच्छे हैं जैसे मैं कुछ बता वैसे मैंने अभी वीडियो बनाया नहीं है चैनल पर बट मैं आपके चैनल पे ही बता देता हूँ जैसे हमें एक अमाउंट मिलता है जिसमें हम जैसे फ्लैट फिफ्टी परसेंट हमें ऑफ होता है एडिडास के प्रोडक्ट्स पे तो ये एक अच्छी wow. चीज़ है और एक मेडिकल डोमिशनरी होता है उसमें एक अमाउंट होता है ये सब पैकेज से एक्सक्लूडेड है इंक्लूडेड नहीं है तो हम okay. हर साल क्लेम कर सकते हैं अगर मैं कुछ अपना हेल्थ चेकअप करवा रहा हूँ या अपने पेरेंट्स का करवा रहा हूँ तो उसका जो भी अमाउंट होगा मैं बिल सबमिट करके वो क्लेम कर सकता हूँ बाकी एल जैसे बेनिफिट्स होते हैं और मेरी जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई ड्राइवर है उसको अगर मैं सैलरी देता हूँ तो उसका एक अमाउंट है मैं उसको भी क्लेम कर सकता हूँ जो हमारा फ्यूल चार्ज होता है उसको भी मैं क्लेम कर सकता हूँ बहुत अच्छे अच्छे पर्गस हैं एंड धन राशि का क्या करेंगे <laughs> या बिल्कुल आ, जैसे कूपन हमें भी सरकाया कूपन बिल्कुल <laughs> आपको हम कूपन दे देंगे प्रिंस और आपको एक दो कूपन एक्स्ट्रा दे देंगे अगर आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ जस्ट पोल करना हो जो उसका सही जवाब दे तो आप वो कूपन उनको दे दीजिएगा ठीक है सो so, मैं आपको दो तीन कूपन दे दूंगा सही एक फ़ाइनल सवाल आ जाए आपसे मतलब लिटरली आपकी स्ट्रगल्स आपके लाइफ की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही मेरे लिए तो और मेरे व्यूअर्स के लिए भी डेफिनेटली जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं यार क्योंकि इतना हम्बल होना इतना लाइफ में लर्निंग करना इस माइंड माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना कि अपन को और सीखते जाना है एंड स्टिल आप कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार मतलब मैं तो अपने आप में इस चीज़ को मानता हूँ कि इट्स अ गुड ग्रेट थिंग ठीक है एक फ़ाइनल एडवाइस जो जो आपको लगता है कि ये मुझे मुझे पहले पता होता और जब देना चाहोगे कि कि हाँ यार इस फाइनल नोड, आ, नोड पे इसको एंड करते हैं ऐसा आ, <laughs> आ, क्योंकि okay. मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया है अपन बात करते रहेंगे इसका कोई एंड नहीं होने वाला <laughs> दो घंटे का भी सेशन अपलोड हो जाएगा तो आराम से लाइव इंटरेक्ट कर रहे होंगे आपकी ऑडियंस से बट यस फ़ाइनल एडवाइस मैं आप लोगों को इस यही दूंगा कि आ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है आपको गलतियां करनी होती हैं और गलतियां बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में एक बेटर वर्जन बनने के लिए बट कोई भी गलती अगर आप कर रहे हो तो ठीक है वो रिपीट ना हो बट ये कोशिश करो और मैं गलतियाँ आज भी करता हूँ ऐसा नहीं है बट गलतियाँ का भी एक लेवल होता है गलती छोटी है वो गलती छोटी है गलती बहुत बड़ी है राइट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मिस्टेक्स करोगे आप तो सीखोगे है ना और हुँँ. और अगर आपने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करना है चाहे फिर आपका मैनेजर जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे हो या जिसके साथ आप काम कर रहे हो हाँ सर मेरे से ये हो गया था एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ना हो तो इस तरीके से अपने लॉयल रहना है वेरी इंपॉर्टेंट छुपाना नहीं है नहीं। कुछ क्योंकि जब आप छुपाओगे और जब मैं बाद में वो चीज़ हाईलाइट होगी तो फिर बहुत ख़राब हो जाएगा फिर आपकी इमेज जितनी बनाई होगी सब बिगड़ जाएगी हम्बल रहो पेशेंस रखो आप चाहे फ्रंट एंड में हो बैक एंड में हो आप किसी फील्ड में भी हो हर चीज़ एक राइट टाइम पर हो रही होती है इस बात को आज मान लो नोट कर लो अपनी एक कॉपी में नोट डाउन कर लो कि आज मैं इस जगह पे हूँ ये टाइम हो रहा है आज से तीन साल बाद देखना कुछ ना कुछ आपको बदलाव दिखेगा वो सैलरी में भी हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में भी हो सकता है आपकी स्किल्स में भी हो सकता है वो चीज़ें चेंज हो रही होती है और बिलीव रखो अपने आप पर और काम करते रहो अपनी स्किल्स में चेंज चेंजेस आएंगे अमेजिंग मतलब आपके अंदर का पेशेंस देख के मुझे पेशेंस फील हो रहा है कि फ्रेंड्स कोई बात नहीं आज सब्सक्राइबर भी तीस हजार है कल एक लाख हो जाएगा रिलैक्स तो जो साइड अ पार्ट ना थैंक्स टू यू अजय मतलब लिटरली काफ़ी कुछ सीखा आपसे हमने एंड आपको चैन अजय के चैनल के पॉडकास्ट और अजय के चैनल्स उनकी पढ़ाई हुई रिसोर्सेज उनका लिंकड अकाउंट सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंसन रहेगा आप प्लीज़ जाके देखो काफ़ी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं उनके एंड प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लो यार बिकॉज काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए एक पॉडकास्ट अरेंज करता हूँ आपके लिए क्योंकि हर कुछ बताना मेरे लिए आ, मैं सोचता हूँ कि जो लोग अचीव किए हुए उनके थ्रू अगर आप सीखोगे तो लिटरली आपको काफ़ी ज़्यादा उस प्रोसेस पे भी, भी ट्रस्ट होगा उस बात पे भी ट्रस्ट होगा और आप खुद में उस चीज को रिलेट भी कर पाओगे तो अजय आपकी बात सुन ले? <laughs> तो जो भी हमारी टी एस फैमिली है जो मुझे देखती है हमारे चैनल पे अगर आप यहाँ पे आए हो तो प्लीज़ प्रिंस प्लीज के चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इनके पास जो कंटेंट है नॉट स्पेसिफिक इस पॉडकास्ट को अगर हम हटा दें इन्होंने काफ़ी कंटेंट बना रखा है चाहे वो डी एस ए वाली सीरीज़ हो इनकी या इनके खुद के एक्सपीरियंसिस हो तो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एंड ये जो मुझे बार बार बोल रहे हैं हम्बल हम्बल ये मेरे से ज़्यादा हम्बल है <laughs> बट ठीक है ये इनका बड़प्पन है कि मैं एज अ गेस्ट इनके चैनल पर आया हूँ तो मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे बट ये, ये अभी आपने देखा हमने एक कवर किया है, हमारे चैनल पे के साथ and बहुत अच्छे इंसान है प्रोसेस पे बिलीव रखते हैं बाकी चाहे जो भी हो तो ये जो है, ये जो हैं तो बाकी इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और ऐसे आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपको मिलती रहेंगी तो मिलते so, yeah, हैं में तब तक रहेगी